आज के तारीख में हम देख रहे हैं आपको धोखा दिए सो वाले दोबारा मुख्यमंत्री बनने के लिए, क्योंकि मुंबई शहर को लूटने के लिए गुजरात से दो लोग निकला हुआ है, एक प्रधानी दूसरा अदानी। ये डबल इंजन के सरकार का मतलब एक अदानी दूसरा प्रधानी। मुंबई में जो स्लम है वहां पर जगह है बहुत कीमती है, सोने भी आप खरीद सकते, मगर मुंबई में एक गज का भी जगह आप नहीं खरीद सकते। इसीलिए वहां के जगह के ऊपर अदानी का नजर लग गए, वो नजर अदानी। कल अजित पवार ने कहा जिस दिन शरद पवार जी को उद्धव ठाकरे जी को चूरा पोका था अदानी हमारे साथ में थे, हम सब मिलकर साजिश करके महाविकास आगादी सरकार को गिरवा दिए, खाली बयान दिया है अजित पवार ने। इसका मतलब मुंबई लूटने के लिए वो लोग गुजरात से यहाँ पर आए। इसीलिए मैं एक बात, ऐसा ही एक आदमी था तेलंगाना में, उनका नाम है चंद्रशेखर राव। तेलंगाना को लूटने में उनके परिवार तेलंगाना सब लूटकर हजारों करोड़ों रुपए कमाए, हम देख देख कर 9 साल देखा। उसके बाद हम कदम उठाए, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता अपने साथ दिए, सब लोग घर पे नहीं गया। 1 साल तक गांव गांव कोने कोने पे तेलंगाना में हर गली गली घूमकर गरीब लोगों का आवाज बनकर वो चंद्रशेखर राव को हम दफन कर दिए तेलंगाना में। आज के तारीख में उनका नाम नहीं है, उनका निशान नहीं है तेलंगाना में। आपके भाई बनकर, आपके बेटा बनकर, आपके सम्मान बनकर तेलंगाना में कांग्रेस के सरकार हम लागू किए, 6 गारंटी दिए तेलंगाना में। 6 गारंटी में महाराष्ट्र तेलंगाना में कोई फर्क नहीं है, एक किसानों का राज्य है। किसान जब अच्छा है, किसान खुशी रहा तो राज्य खुशी रहेंगे। राज चलाने का मतलब भी किसानों के भला करना है। इसीलिए हमारा सरकार बनते ही 25 दिन में लिखो पत्रकारों से, मैं ये बात साफ कहना चाहता हूं, आप लोग लिख लो, 25 दिन में 18,000 करोड़ रुपए 2 लाख तक किसानों का कर्जा माफी करके इस हिंदुस्तान में तेलंगाना के सरकार किसानों का सरकार, किसानों के लिए 25 दिन में 18,000 करोड़ रुपए मैं जमा किया बैंक खाता में, 2 लाख तक हर किसान को हम कर्जा माफी कर तेलंगाना सरकार किसानों का सरकार इस हिंदुस्तान को आवाज दिए। दूसरी रहा नौजवानों का बेरोजगारी, 10 महीने में तेलंगाना सरकार 50,000, लिखो 50,000 सरकार नौकरी हमने दिया 10 महीने में। आज मैं सवाल कर रहा हूं मोदी जी से, आपके गुजरात में ये 20 साल हो गए आपके राज्य सरकार बनकर, ये 20 साल में कोई 1 साल में 50,000 नौकरी अगर गुजरात में दिया हुआ तो दिखा दो। मैं सवाल कर रहा हूं प्रधानमंत्री जी से, या नहीं एकनाथ शिंदे जी से मैं सवाल कर रहा हूं, महाराष्ट्र में कितने सरकार नौकरी दिया हुआ है आप? मैं आपसे बहस करने के लिए तैयार हूं, तारीख लगाओ, मैं आऊंगा मुंबई शहर को, मैं आपसे मुकाबला करूंगा, आपसे मैं बहस करूंगा। इसीलिए और उसके अलावा हमारे माँ बहन कभी माँ को देखने के लिए नहीं तो मंदिर को जाने के लिए बस किराए पूछे तो उनके परिवार ने अभी नहीं है पैसे, दशहरा को पूछे तो दिवाली को जाएंगे, दिवाली को पूछे तो संक्रांत को जाने के लिए बोलते थे, मगर आज के तारीख में उनके परिवार ने हस्बैंड बाहर काम के लिए गए तो सीधा सीधा बस चढ़कर माँ के घर पे जा सकता है। क्योंकि आज पूरा तेलंगाना राज्य में हमारे महिलाओं के लिए आरटीसी बस में कहीं पर भी चढ़ो कहीं पर भी जाओ 1 पैसा भी पूछने वाले नहीं है, जेब में पर्स में 1 पैसा रहने का जरूरी नहीं है। हमारे महिलाओं के लिए, हमारे माँ के लिए, हमारे बहनों के लिए बस में मुफ्त बस चलने के लिए हम लोग तेलंगाना राज्य में दिया हुआ है। 11 महीने में 1 करोड़ 10 लाख महिला लोग
बस चढ़कर मुफ्त राइड किए, उसके लिए 3600 करोड़ रुपए आरटीसी को मैं सरकार के पैसे जमा किया। आप जाके मोदी जी आपके सरकार आपके जिम्मेदारी लोगों को तेलंगाना भेजो, मैं हिसाब किताब पूरा आपको देता हूं। और उसके अलावा भी हमारे महिलाओं के लिए खाना पकाने बच्चों को स्कूल को भेजना है तो सिलेंडर इतना महंगा हो गए, सिलेंडर देखते ही पटाखे पोटे जैसा हो गए, सिलेंडर का दाम देखे तो 1200 रुपए हो गए। हमारे माँ बहन लोग रुपए रुपए जमा करके रखे तो मोदी जी लूट रहा है। इसीलिए मोदी जी आप कितना भी करो मगर हमारे माँ बहनों को 500 रुपए में घर पे सिलेंडर दे रहा हूँ। आपके बगल में जो रिश्तेदार है तो जाके पूछो उनको 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है या नहीं मिल रहा। आप तेलंगाना में किसी से फोन करके बात कर लो। और इसके अलावा भी गरीबों को जो किसान है जो खेतवार है उन लोगों को बिजली 24 घंटा मिल रहा है। जब मैं पदयात्रा किए सो जब गरीब लोग आए थे मेरे कने, साहब हमको घर है मगर जमीन नहीं है, जमीन नहीं है तो फ्री जो बिजली दे रहा है जमीन ऐसे वाले को मिल रहे, घर ऐसे वाले को कुछ नहीं मिल रहे बोल के हमारे माँ बहन लोग मुझे दिखाए थे मेरे पद यात्रा में। तब मैं सोचकर सोनिया जी राहुल जी से मैं पूछकर उन लोगों के परमिशन से आज तेलंगाना में हर गरीब घर में 200 यूनिट बिजली हम लोग मुफ्त में दे रहे हैं। 50 लाख परिवार लोग आज 200 यूनिट बिजली मुफ्त में ले रहा है। एक पैसा भी गरीब लोग बिजली के लिए किसी को देने का जरूरी नहीं है, ये हमारा कामयाबी है।